नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं हूं मुकुल शर्मा। क्या कुछ खास चल रहा है कारोबार जगत की जब हम बात करते हैं, या खासतौर से जब देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। वित्त वर्ष 2024 में दोगुना हुआ एप्पल आईफोन का निर्यात। आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने पीएलआई योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में बेचे गए फोन की कीमत 2022 और 23 में बिके आईफोन की कीमत से दोगुनी यानी 100% ज्यादा रही। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा। वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर भारत। साइबर धोखाधड़ी रोकने और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधि जोड़ने से पहले उनकी गहन जांच करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल साइबर धोखाधड़ी के 11,28,265 मामले सामने आए। और वैश्विक उथल पुथल के बीच सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी किस तरीके से खास बना हुआ है वित्त वर्ष, अगर हम 2023-24 की अगर खास तौर से बात करें। और इसी कड़ी में आपको बता दें, एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत से $10 अरब के आईफोन का निर्यात किया, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने पीएलआई योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में जो फोन बेचे उनकी कीमत 2022 और 23 में बिके आईफोन की कीमत से दोगुनी यानी 100% ज्यादा रही। भारत में ये पहला मौका है जब किसी कंपनी ने इतनी अधिक कीमत का अपना कोई उपभोक्ता उत्पाद निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष में देश में 70% आईफोन निर्यात कर दिए गए। एप्पल के लिए ठेके पर फोन बनाने वाली तीनों कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 में कुल $14 अरब के आईफोन बनाए। पीएलआई योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में तीनों कंपनियों को कुल $7.2 अरब के आईफोन निर्यात करने थे, लेकिन उन्होंने 39% ज्यादा निर्यात किया। आंकड़े बताते हैं कि पीएलआई के तहत एप्पल ने चालू वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में $10 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा था, मगर ये उपलब्धि उसने साल भर पहले ही हासिल कर ली। एप्पल भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे लगता है कि अगले कुछ साल में वह यहां बनने वाले कुल आईफोन में से 80% से ज्यादा निर्यात करने लगेगी। वित्त वर्ष 2024 में भारत से मोबाइल फोन का कुल निर्यात $15 अरब के पार रहने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा 2/3 भागीदारी एप्पल की होगी। पीएलआई योजना शुरू होने के बाद से एप्पल में रोजगार के करीब 1.5 लाख नए मौके मिले हैं। इसके अलावा 3 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार भी मिला है। और वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आपको बता दें, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई लगातार 3rd महीने भी इक्विटी बाजारों में खरीदार बने हुए हैं। अप्रैल के पहले 2 सप्ताह के दौरान एफपीआई इक्विटी बाजारों में 13,347 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ कैलेंडर वर्ष 2024 में इक्विटी बाजारों में एफपीआई का निवेश 24,240 करोड़ रुपए हो गया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आशाजनक विकास संभावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के चलते एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश कर रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणधिकार वीके विजय कुमार का कहना है कि भारत मॉरिशस संधि में किए गए संशोधनों से छोटी अवधि में एफपीआई निवेश पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। नई संधि की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद इसमें सुधार हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक स्थिति और ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता तनाव भी एफपीआई निवेश के लिए चिंता का विषय है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्ध है। खुदरा और उच्च नेटवर्थ भी भारतीय बाजारों को लेकर काफी आशाजनक हैं। ऐसे में एफपीआई की ओर से जाने वाली बिक्री की भरपाई घरेलू निवेश से हो जाएगी। एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में इससे पहले मार्च में 35,098 करोड़ और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हालांकि इस वर्ष जनवरी में 25,744 करोड़ रुपए की निकासी की थी। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। जो यहाँ कारोबार की अगर बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है।
चार अंकों की बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। हर निशान जो है वो इसमें जरूर नजर आ रहा है, एक मामूली बढ़त। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के बाद नजर डालेंगे खासतौर से सेंसेक्स की ओपनिंग पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गिरावट जो है वो नजर आ रही है, बड़ी गिरावट 887.82 अंकों की, 73,357 नजर आया सेंसेक्स की ओपनिंग की अगर खासतौर से बात की जाए। वहीं निफ्टी 50 की ओपनिंग भी आप देख सकते हैं 181.75 अंकों की गिरावट यहां भी देखी गई है, 22,337.65 पर ये आज शुरुआती तौर पर नजर आया है। और आइए बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की, तो आप देख सकते हैं ONGC, हिंडालको, नेस्ले इंडिया, TCS, भारतीय एयरटेल, ये टॉप गेनर्स जहाँ हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ आज नजर आ रहा है। अब टॉप गेनर्स के बाद बात टॉप लॉसर्स की, तो आप देख सकते हैं BPCL, आयशर मोट, अडानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मेसी और टाटा कंज्यूमर्स यहाँ आज फिलहाल लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है और ये टॉप लॉसर्स की श्रेणी में आज नजर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं ग्लोबल मार्केट का हाल। US मार्केट की अगर बात की जाए तो जो फ्यूचर्स आप देख सकते हैं 28 अंकों की मामूली तेजी बनी हुई है, S&P 500 में 75 अंकों की गिरावट है, नेस्डेक में भी 270 अंकों की जो गिरावट है वो फिलहाल देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए तो FTSE में आप देख सकते हैं 71 अंकों की तेजी नजर आ रही है, जबकि CAC और डेक्स में 12 और 24 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। और एशियन मार्केट की अगर बात की जाए तो निकाई 225 की बात की जाए, हैंगसेंग या कॉस्पी, आप देख सकते हैं किस तरीके से लाल निशान जो है वो लगातार नजर आ रहा है, एक गिरावट जो है वो एशियन मार्केट में नजर आ रही है। और आप जान लेते हैं क्रूड की स्थिति क्या है, तो आप देख सकते हैं $90.23 प्रति बैरल ये दर्ज किया गया और यहाँ भी जो गिरावट है वो आज नजर आ रही है। और आइए बात कर लेते हैं आज के फोकस की, देश की रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष अगर 2023 और 24 की हम बात करें तो आपको बता दें इसमें जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है वो 18 गीगावाट से ज्यादा का दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है 2030 का 500 गीगावाट का, उसको जल्दी हम पा लेंगे। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो लक्ष्य की हम बात करते हैं और उस लक्ष्य को लेकर किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, साल दर साल जो वार्षिक स्तर पर अगर देखा जाए वो बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है, आंकड़े क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिहाज से वित्त वर्ष 2023 और 24 काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस दौरान कई नए आयाम गढ़े गए, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसकी क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की माने तो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 21% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.27 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी की है। 31 मार्च 2024 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 143.64 गीगावाट है। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल लगभग 190 गीगावाट है। गौरतलब है कि वर्तमान में 103 गीगावाट निर्माणाधीन है, जिसके बाद देखा जाए तो यह कुल 290 गीगावाट बैठती है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 6 साल तक सालाना कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि भारत निर्धारित समय से पहले 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो जाना आपने किस तरीके से धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित बोहरा जी जुड़ चुके हैं, संयुक्त सचिव हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका ललित जी नौमी टुडे में। सबसे पहले ललित जी जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से अगर देखा जाए, पिछले वर्ष भी हमने देखा था तब करीब 15 गीगावाट की वृद्धि हमने देखी थी, इस बार 18 से ज्यादा गीगावाट की जो वृद्धि हमने दर्ज की है, किस तरीके से लगातार जो इजाफा है वो किया जा रहा है? देखिए मुकुल जी, रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट है वो मल्टीपल एरियाज में काम कर रही है, और इसमें जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करें जी। और उसी 500 गीगावाट को अचीव करने की दिशा में हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर आप इस साल की हमारी क्षमता देखें तो हमने है 18,000 मेगावाट से ज्यादा है इंस्टॉल किया है, वो अभी तक का है, एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर साल है हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हम हर बार है नई नई ऊंचाइयां ले रहे हैं। देश में बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल की अगर हम चर्चा करें तो हमारा जो सोलर सेक्टर है उसमें हमने है एक बहुत बड़ा इजाफा किया है। उसके अलावा जो विंड सेक्टर है, विंड सेक्टर में भी हमने रिकॉर्ड है 3,253 मेगावाट इंस्टॉल्ड किया, और सोलर में हमने है 1500 मेगावाट से अधिक इंस्टॉल्ड किया है। और 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य जो हमको निर्धारित किया गया है उसको अचीव करने के लिए हमने हर साल है 50 गीगावाट का बिडिंग है, ट्रेजेक्ट्री वो शुरू किया है। पहले हमारी एक REIA होती थी, सेकी जो करती थी, साथ में एंटीटी कुछ करता था, इस बार हमने दो और REIA ऐड किए और 50 गीगावाट से अधिक का हमने इस साल बिडिंग कर दिया है। जो इस साल बिडिंग किया है तो आप समझ सकते हैं कि वो अगले 2-3 साल में इंस्टॉल होगा। जी ललित जी, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जब हम देखते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि जो बिजली की मांग है, और अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जब हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बात करते हैं तो वहां पे जो आवश्यकता आती है महत्वपूर्ण, वो है बिजली की, और उसी मांग को पूरा करने के लिए, जो खपत है लगातार इसको पूरा करने के लिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे जो हमारा बिजली के उत्पादन को हम देख रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो है वहां से कितना जो बिजली उत्पादन है कर सकते हैं, वो काफी कारगर रहता है। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ललित जी? देखिए, जो हमारी लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसका गेस्टेशन पीरियड मिनिमम है जी। एक बार प्रोजेक्ट कंसीव होता है उसके बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होकर के और एनर्जी डिलीवर होने में मिनिमम टाइम लगता है, और इसलिए रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को है हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल लगा करके और उसको अपनी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो हमारे नागरिकों की डिमांड है, उन सबको हम पूरा करें जी। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, बिल्कुल। और खासतौर से अगर अभी हम देखते हैं तो करीब स्थापित जो है वो हमारे पास 190 गीगावाट के करीब है, और हम इसमें बात कर रहे हैं कि 103 निर्माणधीन भी है, यानी जो हमें भविष्य में जल्द मिलेगी, तो उसके जो 103 गीगावाट है हमारे पास उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। देखिए, जो अभी 500 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है उसमें से हमने 190 गीगावाट से अधिक है जो हमने इंस्टॉल कर दिया है नॉन फॉसिल का जी। उसके अलावा हमारे पास में 134 गीगावाट के से ज्यादा का है वो वेरियस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। इसमें अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर में 95 गीगावाट से ज्यादा का है वो अलग अलग स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। विंड में 21 गीगावाट से ज्यादा का है, और अपने लार्ज हाइड्रो में है 16 गीगावाट से ज्यादा का अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा हमारा करीब लगभग 80 गीगावाट है वो टेंडर्ड स्टेज में है जी। वो वेरियस स्टेज ऑफ टेंडरिंग है, और इन सबको अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हमारा 404 गीगावाट का टोटल पाइपलाइन है विच इज इंस्टॉल्ड अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेंडर। और आगे दो सालों में जब हम और बिडिंग कर देंगे 50-50 तो 500 का हमारा एक
पूरा पाइपलाइन हो जाएगा और उसको है हम पूरा, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, हमको पूरा विश्वास है कि हम है उसको जरूर अचीव करेंगे। जी बिल्कुल, और मंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि जो निर्धारित समय है उससे पहले ही हम जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे इस तरह। तो जी जरूर, आपको जैसा कि मैंने पूरा हमारा पाइपलाइन दिखाया है जी, 400 गीगावाट की हमारे पास पाइपलाइन है और हमारे पास में अभी वी आर 2024 में है और हमको 2030 तक करना है जी, तो हमारे पास 6 साल है और अगर हमने 2 और कर दिया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 2 से 3 साल रहता है, तो हम जरूर है उसको अपने लक्ष्य से पहले ही अचीव। ललित जी, इसमें अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी की हम बात करें तो उस लिहाज से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसको सही मायने में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है और मतलब प्राइवेट सेक्टर के इतने पार्टिसिपेशन के बावजूद और इसमें जो पेमेंट होता है वो डिस्कॉम की तरह दिया जाता है। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं सो दैट प्राइवेट सेक्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि हमने 100% FDI परमिट कर रखी है, हमारा जो बिडिंग मैकेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है और हमारे मैकेनिज्म को आजकल बाहर के लोग है वो फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो हम विश्व में है 4th नंबर पे है जी। तो उसके अलावा जो हमारा एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम उनको एश्योर देते हैं कि आपका है पेमेंट टाइमली आपको मिलेगा, उसके अलावा लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निकाले हैं, ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है जो हम समय समय पे निकालते हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आए। जी बिल्कुल, और खासतौर से ललित जी क्योंकि अब जो एक आम नागरिक है वो भी जागरूक हो चला है, वो हम देखते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जो सौर ऊर्जा है क्योंकि किफ़ायती भी पड़ती है अगर बतौर उपभोक्ता उसको हम देखते हैं, और ऐसे में जब जो जागरूकता आ रही है अलग अलग योजनाएं भी बन रही हैं उनका आने वाले समय में किस तरह का लाभ हमें मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ाना है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और उसमें अगर हमको हमारे एनर्जी सेक्टर को इलेक्ट्रिफाइड करके और कार्बन न्यूट्रल करना है तो हमको रिन्यूएबल बढ़ाना पड़ेगा। रिन्यूएबल के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है ग्रिड स्केल जहां पे बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं और उन प्लांट्स के थ्रू है बड़े लंबी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसमें की पब्लिक भागीदारी बहुत होती है, जिस जैसा कि हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर कहा है या पीएम कुसुम योजना है या हमारे और डिस्ट्रीब्यूटेड क्षेत्र में जहां पे कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होता है जहां पे कि पब्लिक है वो पीएम कुसुम में है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाती है, रूफटॉप में वो अपने छतों के ऊपर लगाती है और ग्रिड स्केल में बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। तो एक अगर सेक्टर को आगे बढ़ना है तो उसको हर सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी हर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ही और इस क्षेत्र में डिमांड क्रिएट करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने है एक रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस किया है जिसमें कि सारी पावर यूटिलिटीज को कहा गया है कि आप जितनी पावर कंज्यूम करते हैं उसमें से इतना परसेंटेज है आपका रिन्यूएबल का होना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये जो अगर एक तरीके से वर्गीकरण हम देखें जैसा भी आपने बताया कि एक इतना प्रतिशत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का होना चाहिए, इसको लेकर अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात की हम बात करें तो शायद सबसे ज्यादा जो गीगावाट है यहाँ पर है। जी बिकॉज देखिए, जहां पे इंसोलेशंस है सोलर इंसोलेशंस है वो देखा जाए तो राजस्थान में ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां पे कम रहती है जी। सिमिलरली गुजरात है वहां पर भी इंसोलेशन अच्छा है, उसके अलावा भी बाकी राज्यों में इंसोलेशन है बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जहां तक विंड की बात होती है तो विंड है वो तमिलनाडु में अच्छा रहता है, गुजरात में अच्छा है, महाराष्ट्र में अच्छा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये कुछ राज्य है जिनके यहाँ पर की सोलर पोटेंशियल भी अच्छा है और विंड का पोटेंशियल भी अच्छा है, तो यहाँ पे है प्लांट ज्यादा लगते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन प्लांट से जो बिजली है वो अलग अलग राज्यों को जाती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में ललित जी अगर देखा जाए क्योंकि एक समय था जब हम जो बाहरी देश हैं
वैश्विक स्तर पर देखते थे कि किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है या नई तकनीकें नजर आती थी, और आज के समय में हम शायद उनसे ज्यादा तेज गति से उनको अपनाने में लगे हुए हैं, और तभी शायद पूरे जो विश्व है वो उम्मीद भरी नजर से देखता है, क्योंकि फिर चाहे क्लाइमेट चेंज की बात की जाए या रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से और उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं उस नजरिए से देखा जाए तो शायद उनमें भारत अग्रणी हमें नजर आएगा। देखिए, जहां तक कि रिन्यूएबल एडिशन है वो इंडिया विश्व के जो भी विकसित देश है उनमें हमारा परसेंटेज काफी आगे है, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास में एक ग्रिड है, तो एक ग्रिड होने से जो रिन्यूएबल पावर है वो वेरिएबल नेचर होती है, तो वो जब कम ज्यादा होती है तो ग्रिड को बैलेंस करना होता है, तो वो हमारे पास एक सिंगल ग्रिड होने से हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज बहुत सारे विकसित देशों में भी नहीं है जी। तो वहां पर भी अगर कोई प्लांट लगता है और उसको अगर ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करके ट्रांसमिशन मिलना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कहीं कहीं 5-6 साल भी लग जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मिनिमम टाइम में तुरंत मिल जाता है। वही एक कारण है कि इतने प्लांट लग रहे हैं और उनसे ट्रांसमिशन हो पा रहा है। जी बिल्कुल, यानी जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, गीगावाट में बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये हमारे आर्थिक विकास को गति देता हुआ नजर आएगा। जी जरूर, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि आर्थिक विकास भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, और उस डिमांड को पूरा करना और वो कॉन्फिडेंस सबका बना के रखने है, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम है रिन्यूएबल पावर लगाए और उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में लगा पाए ताकि वो उन डिमांड को पूरा कर पाए। जी बिल्कुल, तो और यही लगातार जो मांग निकल कर आती है उसको पूरा करने के लिए, देश को और मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो गीगावाट है उसमें इजाफा हो रहा है। फिलहाल ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो लगातार इस मुहिम में भी है कि कैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसको और बेहतर हम कर सकते हैं, इसको और हम बढ़ा सकते हैं, और जो लक्ष्य है हमारा 500 गीगावाट का उसको हासिल कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीमा कंपनी LIC को अदानी ग्रुप में अपने निवेश पर तगड़ा रिटर्न मिला है। LIC ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था। इस निवेश पर उसे 59% की कमाई हुई है। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में कुल 38,471 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। पिछला वित्त वर्ष खत्म होने तक यह निवेश बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब LIC 22,378 करोड़ रुपए के लाभ में है। लग्जरी फ्लैटों की मजबूत मांग के बीच देश के शीर्ष 8 शहरों में जनवरी मार्च के दौरान कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी आधे से भी अधिक घटकर 22% रह गई। कैलेंडर वर्ष 2023 की जनवरी मार्च तिमाही में कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी 48% थी। हाउसिंग ब्रोकरेज फर्म proptiger.com के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान 1,20,640 आवासीय इकाइयों की कुल बिक्री में 25 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 5% थी। पिछले साल इसी अवधि में इस श्रेणी के घरों की बिक्री की हिस्सेदारी 15% थी। जनवरी मार्च 2024 के दौरान 25-45 लाख रुपए की कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 17% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हिस्सेदारी 23% थी। दूरसंचार विभाग इस महीने नियामक ट्राई से संपर्क कर स्पेक्ट्रम के आवंटन के तरीके और मूल्य निर्धारण और सेटकॉम सेवाओं के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस के दायरे पर नियामक के विचार मांग सकता है। प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम वाली सेटकॉम कंपनियां किस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, इस पर पूर्ण स्पष्टता लाने के लिए मौजूदा लाइसेंस को दुरुस्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। सेटकॉम सेवा प्रदाताओं को दूर दराज के क्षेत्रों या दुर्गम इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। भारी वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया कंपनी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये देश का सबसे बड़ा FPO होगा जो 18 से 22 अप्रैल तक सब्सक्राइब किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने FPO की इश्यू प्राइस 10 से 11 रुपए प्रति शेयर रखी है। कंपनी का कहना है कि ये पिछले बंद भाव 12.95 रुपए की तुलना में लगभग 15% के डिस्काउंट पर है।
ताले और सुरक्षा समाधान प्रदाता कंपनी गोदरेज लॉक्स का लक्ष्य 3 साल में बाजार हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का है। कंपनी का कहना है कि इसके लिए वो सस्ते उत्पाद की नई श्रृंखला लाएगी और मौजूदा उत्पादों की कीमतों में कटौती भी करेगी। गोदरेज लॉक्स एंड आर्किटेक्चरल सिस्टम्स के कारोबार प्रमुख श्याम मोटवानी ने कहा है कि कंपनी के नए उत्पाद मौजूदा तालों की तुलना में 50% से ज्यादा सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा तालों को भी 7-8% तक सस्ता बनाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।